नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिस पानी को आप पीते हैं, क्या वो पानी शुद्ध है और आपके सेहत के लिए फायदेमंद है या हानिकारक है। आप जिस पानी को पीते हैं, आप आरओ के पानी को पीते हैं, आप बिस्लरी को पीते हैं या आप म्युनिसिपैलिटी के सप्लाई किए गए पानी को पीते हैं या टैंकों द्वारा आने वाली पानी को पीते हैं, तो क्या यह पानी आपके लिए शुद्ध है कि नहीं है, आपके सेहत को सुरक्षा प्रदान करती है कि नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो आपके सेहत पर क्या दुष्प्रभाव डालती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए बेल आइकन की घंटी को तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जिस पानी को पीते हैं या चाहे किसी भी प्रकार का वाटर हो, अगर यह बहता हुआ पानी नहीं है तो यह पानी डेड मानी जाती है। यानी कि जो पानी हम पीते हैं यह प्रायः मृत होती है और इनमें मिलने वाले मिनरल्स न के बराबर होती हैं। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे असमय बालों का पकना, असमय आंखों से पानी आना, आंखों से कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, शरीर के मांसपेशियों में बराबर दर्द बने रहना, शरीर में अकड़न पैदा होना, इत्यादि इत्यादि समस्याएं हमारे शरीर में केवल और केवल दूषित या डेड पानी पीने की वजह से होती है। अगर हम सजीव पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर की ये सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन इन पानियों को, जो पानी आपके घरों में आती है, उस पानी को आप सजीव कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको आप अपने आप पर आजमा करके भी देख सकते हैं। आपको बताएं, आपको आजमाने के लिए करना यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति के हाथ को ऐसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद दबा करके देखना है, और उसके बाद कुछ समय बाद आपको आपके घर में मिलने वाले पानी को पुनः पीना है और पुनः हाथ को उनको सीधा करके इसको ऐसे दबा करके देखेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया है और पहले की अपेक्षा आपका हाथ ज्यादा कमजोर हो गया है। लेकिन अगर आप सजीव पानी को पीते हैं तो उस पानी को पीने के बाद आपके हाथ की मजबूती कम न होकर के और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपने पानी को आप सजीव कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। आपको अपने पानी को सजीव बनाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आपको करना बस इतना होता है कि 1 लीटर पानी में आपको 1 बूंद से भी कम आपको तुलसी का रस डालना होता है। अगर तुलसी का रस उपलब्ध न हो तो आप 1 लीटर पानी में 1 पत्ता तुलसी का 15 मिनट के लिए डाल के छोड़ देंगे और उसके बाद उसको निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि आपके पानी का स्वाद बदल गया, आपका पानी मीठा हो गया और आपको यह अद्भुत शक्ति देने का काम करेगी। आपके पानी को जीवित करने का काम करती है और आपके पानी में वो सारे मिनरल्स जागृत हो जाते हैं और आपके सेहत के लिए फायदा करने लगते हैं। आप इसे घर पर आजमा करके देखिए और इसको पीजिए, आपको एक अलग लाभ मिलेगा। अगर आपको इन बातों पर भरोसा न हो तो एक बार आजमाएं जरूर इस बात को। आजमाने के बाद आपको इसके रहस्य का पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।